अभी हमने पिछले वीडियो में एक टर्म पढ़ी थी, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक्चुअल में वो केमिकल्स होते हैं जो ना किसी भी रिएक्शन के रेट को, यानी कि स्पीड को बढ़ा सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें कभी किसी केमिकल रिएक्शन की ना स्पीड बढ़ानी होती है तो हम उसमें केमिकल डाल देते हैं। वो हर केमिकल के लिए ना अलग अलग हो सकता है। कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिनमें कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैटलिस्ट क्या है? दोज केमिकल्स विच आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट हो गए दो तरह के, एक हो गए पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कराने के लिए यूज होते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट से मतलब है स्पीड। और दूसरे होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट जो डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट बहुत रेयरली यूज होते हैं। अब एक वर्ड आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं ना बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते, जो हमने अभी पढ़ा आरयूडीपी, रिबुलोज डाइफॉस्फेट या फिर आरयूबीपी, रिबुलोज बाइफॉस्फेट। ये जो है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी कि एक एंजाइम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक कैटलिस्ट हो गया। और कैटलिस्ट क्लियर हुआ, जो वर्ड आया था आरयूडीपी वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। आरयूडीपी और आरयूबीपी दोनों सेम ही चीज़ है,